हाय फ्रेंड्स, मैं हूं केबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम आप पहुंचे हैं पुष्कर जी। पुष्कर अजमेर से अराउंड 13-14 किलोमीटर दूर है और आप यहां पर आधे घंटे में आ सकते हैं। अगर आपके पास अपना खुद का व्हीकल नहीं है तो आप यहां की जो लोकल बसेस चलती हैं वो भी ले सकते हैं, जो यहां के बस स्टैंड से आपको हर आधे और एक घंटे में मिल जाएगी। अजमेर से पुष्कर का रास्ता एक्चुअल में बहुत ही प्यारा है, छोटा सा रास्ता है लेकिन काफ़ी अच्छा रास्ता है। और जब आप अजमेर से निकलते हैं, अजमेर शहर से, और पुष्कर के लिए पहाड़ी पर एंटर करते हैं, तो वहाँ पर महाराणा प्रताप जी का एक स्मारक बनाया हुआ है जो कि बहुत ही प्यारी जगह है और हैंग आउट करने के लिए सबसे बेस्ट है। पुष्कर जी मशहूर है यहाँ के सरोवर के लिए, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा सरोवर है। एक्चुअली ये एक घाट है जहाँ पे लोग आकर पूजा पाठ करते हैं, नहाते हैं और फिर मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी का मंदिर, वो इकलौता है इंडिया के अंदर। हम ब्रह्मा जी के मंदिर में जा रहे हैं और एक्चुअल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, छुट्टी की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं कैमरा नहीं ले जा सकते तो मैं आपके दर्शन बाहर से करा देता हूँ। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा रेगिस्तान है। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ी कैमल सफारी वगैरह होती है और सर्दियों में आप टेंट वेंट लगा के भी वहाँ पर आपको कैंप फायर करके कैंपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ की तीन चीज़ें जरूर ट्राई करें खाने में, स्पेशली आपका समोसा कचौरी जो कढ़ी में डाल के देते हैं, दूसरा यहाँ का कलाकंद, और तीसरी है यहाँ का मालपुआ जो कि बहुत मशहूर है। तो ये तीन चीज़ें जरूर ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर कैमल सफारी होती है। यहाँ पर काफ़ी टेंट्स हैं और काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं जो आपको सफारी करवाएंगी। यहाँ पर चार्जेस जो ऊँट के हैं वो नॉर्मल 800 to 1500 लेते हैं लोग, और जो बग्घी है उसके चार्जेस लेते हैं 1200 से लेके 2000 के बीच में। तो अलग अलग लोग हैं और अलग अलग चार्जेस करते हैं, तो जिस हिसाब से जो कस्टमर आ जाए। मेनली इसमें जो ये दिखाते हैं गुलाब की खेती, आंवले की खेती, बंजारे, नाच गाना, और दो तीन फिल्में हैं जैसे कर्ण अर्जुन, तो उनकी साइट्स जहाँ पे शूटिंग हुई थी वो दिखाते हैं। तो टोटल मिला के एक से डेढ़ घंटे का सफारी होती है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर रेट जेन्युइन मिले तो ही जाइए, वरना कोई वर्थ नहीं है।
सो फ्रेंड्स पुष्कर के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।